ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆರ್ ಎ ಲೋಹಾನಿ. ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಸೀಮಾ ಮೊಹಸಿನ್ ಇವರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೀಮಾ ಮೊಹಸಿನ್ ಅವರು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಹಾಗೆ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಎಂಬ ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯೆ ನೇಮಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೀಮಾ ಮೊಹಸಿನ್ ಜಿ, आपको सन्मार्ग न्यूज में इस्तीकबाल करता हूं. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಔರತ್ ಸಿಯಾಸತ್ ಮೇ ಆನೆ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಆಪ್ಕಿ ಕ್ಯಾ ರಾಯ್ ಹೈ? हाँ, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है. वो भली भांति जानती है कि विमेन को एम्पावर करे, विमेन को पॉलिटिकली एम्पावर करने का उससे क्या फ़ायदा हो सकता है. वो सिर्फ लिप सर्विस नहीं करती, वो चाहती है कि 50% ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन हो. जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट में जो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसकी बात कही जा रही है, 33% विमेन को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब ये बातें होती हैं लेकिन कोई काम अंजाम नहीं होता. ये अफसोस बात है कि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो क्लेम करते हैं कि विमेन को एम्पावर करते हैं, वो विमेन को ये बहुत सारी मूल सुविधाएँ देना चाहते हैं लेकिन देते नहीं. तो वेलफेयर पार्टी इसकी बनिस्बत बहुत ही अलग सोच रखती है. वो सोचती है कि विमेन सिर्फ वोट कर देने के लिए नहीं होती बल्कि वो आप कह रहे हैं आपकी पार्टी में खवातीन की जगह है, तो आपकी पार्टी में कितने खवातीन हैं, कौन कौन सी जगह में हैं? काफ़ी वुमेन हैं, लेकिन एक और बात भी है कि हमारी जो पार्टी है एक नई पार्टी है और वुमेन को एजुकेट करना कि पॉलिटिक्स में उसका जो रोल है, उसकी क्या महत्वता है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्या रोल प्ले कर सकती है, ये भी एक बड़ा टास्क है. तो हमारी कोशिश जारी है और हमें लगता है कि वुमेन बहुत जल्दी हमारी पार्टी, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. वुमेन की अपनी इस्मत और उसकी हर सेफ्टी के साथ वो आएगी और अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करेगी और एक डिसीशन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में वो हिस्सा है. सब पार्टी कहते हैं वुमेन्स के एम्पावरमेंट करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में इससे अलग क्या है? जी, हमारी जो बातें हैं वो सिर्फ बातें नहीं होती, हमारी बातें जो है वो एक प्रैक्टिकली उसको भी उसका एक अंजाम भी होता है. हम जब क्लेम करते हैं कि हम एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है तो सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, हमारी जो ये है वो प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करने की सोच रखते हैं. जी, बाय होम पार्टी में आई एम होल्डिंग द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ आफ्टर द नेशनल प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. तो कोई हिंड्रेंस नहीं है पार्टी में आगे बढ़ने और काम करने का. अगर आपका मंशा ठीक है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास एबिलिटी है, तो पार्टी किसी तरीके से इनहिबिट नहीं करती आपको आपके टैलेंट को एग्जिबिट करने के लिए. तो ये पूरे मौका मिलेगा औरतों को, लेकिन औरतों को आगे आना चाहिए. वेलफेयर पार्टी में वुमेन्स विंग है क्या? वुमेन्स विंग है हमारी पार्टी में, जिसकी सदारत कर रही है केरला की ईसी आयशा साहिबा, और काफ़ी रियासतों में भी उसका प्रेजेंस है. वेस्ट बंगाल में शहजादी परवीन साहिबा है और तेलंगाना में खमर साहिबा है, वैसे तमिलनाडु में देयर इज़ अनदर लेडी वो भी है, और कर्नाटक में तलत यास्मीन साहिबा है. तो बहुत सारी औरतें हैं जो आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं और कर रही हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन अभी क्यों, चूँकि ये पार्टी नई है, इसको इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट नॉनदलेस पार्टी की जानिब से कोई लिमिटेशन नहीं है. वेलफेयर पार्टी इलेक्शन लड़ी है क्या? काफ़ी रियासतों में लड़ी है. अभी तो आज लाइक वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 11 इयर्स. जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे इलेक्शंस लड़ी है. वेस्ट बंगाल में लड़ी है, तमिलनाडु में लड़ी है, कर्नाटक में लड़ी है, केरला में लड़ी है. तो वी हैव बीन कंटेस्टिंग. आपके पार्टी में खवातीन
कितने इलेक्शन में लड़ी हैं, कितने लोग लड़े हैं? लोकल बॉडीज में विमेन हैव कंटेस्टेड इलेक्शंस एंड कई इवन कर्नाटक में हमारे पास दो लेडीज हैं ऑलरेडी लोकल बॉडीज में हु हैव वन द इलेक्शंस, तो लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी विमेन रिजर्वेशन है वहाँ तो बाकायदा वुमेन को कंटेस्ट करने का ही पोजीशन हुआ है, तो वहाँ पे कंटेस्ट कर रही हैं। और बाकी दूसरी जगह भी जहाँ पे, लेकिन एक माइंडसेट भी है, उसको भी हम चैलेंज करना है। नई पार्टी को जिस तरह से हिंड्रेंस होता है लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी के मामले में, वुमेन होना में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो शी हैज़ टू प्रूव हर सेल्फ, हर क्रेडिबिलिटी। और हम नहीं चाहते कि वुमेन फॉर द नेम सेक कोई हस्बैंड हो या फादर हो या ब्रदर हो बैक सीट ड्राइविंग करें और वुमेन को सिम प्रोजेक्ट करें। हम इस तरह का पॉलिटिक्स नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर वो कंटेस्ट करती है तो वो भाग दौड़ भी संभाले, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना रोल प्ले करें। तो पूरी इंडिया घूम चुके हैं, क्या आप घूम चुके हैं? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लड़कियाँ औरतें सियासत में दिलचस्पी रखते हैं? आपने CAA मूवमेंट तो देखा होगा जी। CAA मूवमेंट में जो भागदौड़ संभाली हुई थी वो तो औरतें थी। औरतें एक मुसलसल 70 ईयर्स में जो देखा है कि जिस तरीके से देश की हालत दुर्दशा हो रही है, औरतों के साथ जो दुर्दशा हो रही है, तो वो अब उसको लगता है कि अब टाइम आ गया है, एक अवेकनिंग हो गई है औरतों में कि अब हमें आगे बढ़कर काम करना है। अब किसी के भरोसे हम अगर पीछे बैठे रहेंगे तो ये मामला संभलेगा नहीं। तो औरतें ने आकर CAA मूवमेंट में बड़ी तादाद में औरतों ने काम किया है और मुझे लगता है कि अब कोई उनको हिंड्रेंस नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टी में भी आने के लिए। अब और ज्यादा आएंगी। आपने देखा है कि किस तरह से 80 साल की बूढ़ी औरतें जाकर नरेंद्र मोदी को चैलेंज करी, आपने शाहीनबाग का हिस्सा तो देखा है। और यही सब कुछ यहाँ पूरी देश में हम इतने सारे औरतें, इतने सारे शाहीन बाग बने, इतने औरतें जो बुरखा पोश औरतें जो कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में एड्रेस नहीं की थी वो आकर करी और बहुत ही आर्टिकुलेट है, बहुत ही समझ बूझ कर बात रख रही है अपनी। तो हमें लगता है कि एक अवेकनिंग इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है CAA मूवमेंट की जानिब से और अब ये रुकेंगी नहीं। आप देख रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या औरतों में, सिर्फ मुस्लिम औरतों में अवेकनिंग आया है या सब औरतों में ऐसा अवेकनिंग है? दूसरों में भी आया है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगी कि ये CAA मूवमेंट सिर्फ मुस्लिम मूवमेंट है, इट्स अ प्लूरल मूवमेंट। लेकिन इसको भागदौड़ जो है मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम वुमेन पहली बार 70 ईयर्स में जो कभी बाहर नहीं आई थी वो आ चुकी हैं। लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी इनमें से ऐसे नहीं, बहुत कुछ ऐसे भी थे जो आए नहीं थे कभी बाहर, वो भी आए हैं CAA मूवमेंट की जानिब से। थोड़ी बहुत औरतें जो पहले पब्लिकली काम कर रही थी इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, उनको भी थोड़ा सा हेसिटेशन था। लेकिन अब औरतें एक तादाद में जब आती है तो शी विल डिमांड फॉर अ प्राइवेट स्पेस इन पब्लिक डोमेन, वो एक मसला है। तो उसके बारे में अब नंबर ज़्यादा है तो हम उस बारे में बात करेंगे ज़रूर कि हमें जो है एक प्राइवेट स्पेस चाहिए, एक पब्लिक डोमेन में हम काम करेंगे लेकिन हम पूरी इस्मत और अपनी हिफाजत के साथ, एक सिक्योरिटी के साथ, और लोगों को ये बात ये भी करेंगे, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करें कि हमको उसी डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करें। आपने बार बार बता रहे थे प्राइवेट स्पेस, तो औरतों को प्राइवेट स्पेस क्या है, इसका मतलब क्या है? हम नहीं चाहते कि कोई हमें ऐसी नज़र से देखे कि ये बाहर आ रही है, ये बहुत ही इसका इसकी जो मोरालिटी है उसके ऊपर सवाल कुछ उठाए जाए, या वो कुछ ये समझे कि ये बहुत फ्रीली अवेलेबल है तो हर कोई उसके साथ छेड़खानी कर सकता है। तो दैट स्पेस वी वॉन्ट टू हैव कि हमारी डिग्निटी भी बरकरार रहे और हमें पूरी अपॉर्चुनिटी भी मिले और एक स्पेस भी मिले कि हम आगे बढ़कर अपना योगदान दे सकें देश के लिए। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, तो यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ थे, कांग्रेस है, BJP है, जनता दल है, अब कर्नाटक में चाहे तो नेशनल लेवल में बहुत सारे, तो उसमें आप वेलफेयर पार्टी को क्यों चुना, उसमें क्या है स्पेशलिटी? व्हेन आई वाज द मेंबर, फर्स्ट वुमन मेंबर ऑफ कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट वेरियस पीपल, वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स। और मैं एक CCD सेंटर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियंस एज वेल एज द ब्यूरोक्रेट्स, उनका एक प्लेटफॉर्म था, उसकी मैं वुमेन कन्वीनर भी रह चुकी हूँ। तो मुझे जनता दल के लोग, टॉप मोस्ट लीडर्स, कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर्स के सबके साथ मुझे इंटरेक्शन करने का मौका था। लेकिन मैं ऐसे ही एक पोलिटिकल पार्टी की तलाश में थी जो वैल्यू बेस्ड पोलिटिकल पार्टी हो,
जो सही मानों में औरतों को अपलिफ्ट भी करें और देश के लिए बारे में सोचें समझें और देश की बुनियादी मसाइल को हल भी करें और देश को बनाने चलाने और संवार लेके प्रयत्न करें। तो मैं एक तलाश में थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन हुआ तो मैंने लब्बैक कहकर आई जॉइन द पार्टी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है ऐसा एक प्रचार है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम पार्टी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इज अ प्लूरल पार्टी जहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज फ्रॉम डिफरेंट कास्ट आर ऑलरेडी इन द पार्टी। मैं ये कह रही थी कि मैं एक मुस्लिम औरत हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि एक ऐसी पार्टी में जहाँ पे मेरे वैल्यूज, जहाँ पे मेरे प्रिंसिपल्स, जहाँ पे मेरा हिजाब, एवरीथिंग विल बी अ क्वेश्चन। तो मैं एक ऐसी पार्टी जो मुझे सारी आज़ादी देती है कि मैं अपने रिलीजन को और अपने मजहब को, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रख कर इस देश को चलाने, बनाने और संवारने का काम करूँ। तो मुझे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया सबसे बेहतरीन पार्टी नज़र आई जो ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। जो पार्टी पावर में नहीं आई थी उस पार्टी में रह के क्या फ़ायदा है? अरे कोई भी पार्टी को बनाने के लिए इट टेक टाइम। आपने देखा है कि बीजेपी पार्टी टुक सो लॉन्ग टाइम, दो ही दो मेंबर्स थे पार्लियामेंट में, फिर वहाँ से उन्होंने यहाँ तक आने के लिए काफ़ी समय गुजारा है और 11 साल बहुत कम साल होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को। सो इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली व्हेन पीपल रियलाइज कि हम जेन्युइन हैं और हम काम करने के लिए आए हैं तो वो क्रेडिबिलिटी अगर हम हासिल कर रहे लोगों में तो इट विल नॉट बी अ matter, they will not stop at it. They will definitely elect us and we will come to power. So it's only a matter of time. And very soon, because all the political parties have so miserably failed, especially the secular parties who claim to be secular but are not performing their job, तो उनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है। छोटे छोटे पार्टियाँ बहुत से आ रहे हैं तो इससे वोट को फोड़ रहे हैं, इससे कम्युनल पार्टी उभर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि हम वोट फोड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत तासुर है लोगों का कि जो कह रहे हैं कि वी आर वोट कटर्स। हम वोट कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे पॉलिटिकली, इफ़ यू डोंट ट्राई टू रिप्लेस अनदर पॉलिटिकल पार्टी देन विच अदर प्लेटफॉर्म विल वी हैव टू डू इट। तो पॉलिटिकली हमें आना ही है तो वी हैव टू गेन द क्रेडिबिलिटी। और जब एक सिस्टम को चेंज करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत देर विल बी सर्टन काइंड ऑफ setback, but then eventually we will overcome it. But we need to gain that confidence of the people. So if you say कि हम पीछे ही रहें, vote cutting हो जाएगी, ये बात कहते हुए अगर हम मैदान में ही ना आए तो how will we perform the role of a political party? हाँ, political party इसीलिए बनती है कि वो election contest करके वो जीते। तो लेकिन आज का दौर उसका साथ नहीं दे रहा, इसलिए तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं? आज का दौर या कल का दौर नहीं, आज का दौर इज द दौर वेर इन सो मच रॉन्ग इज हैपनिंग टू द पीपल। यू कैन सी द फार्मर्स आर एजिटेटिंग, 28 डेज बैठे हैं ठंड में, कड़ाड़ी ठंड में बीन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, और पार्टी और गवर्नमेंट इज नॉट रिलेंटिंग। लेबर लॉस इस तरह से लाए गए हैं, फिर यू हैव सीन किस तरह से आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, कश्मीरीज को इन्वॉल्व नहीं किया, कोई स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, ये कोई भी ऐसे कानून ले आते हैं जो लोगों के हित में नहीं होता, देश के हित में नहीं होता, तो इससे बुरा हाल और कब क्या होगा? तो इस हाल में अगर अब भी हम लोग पार्टी मैदान में नहीं आए, आपने जो बात कही उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, ऐसी हालत में आप अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे तो आप वोट फोड़ेंगे तो उनका ताकत और भी, उनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। क्यों, जो वोट तो लोग ही देते हैं ना, पीपल ओनली गिव द वोट्स। तो पीपल का हम वो जो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो लेबरर्स हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, जो है माइनॉरिटीज हो, कोई दलित्स हो, जिनके भी साथ ज्यादती हो रही है, जिनके भी राइट्स का जो पामाल हो रहा है, अगर वो सारे के सारे अगर हमारे ओर आए कि अरे चलो ये इस पार्टी के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये पार्टी हो सकता है कि हमें इस सारे मुसीबतों का निजात दिला सके, तो हम वी विल बी दैट ऑल्टरनेटिव। अगर हम मैदान में ही नहीं रहेंगे एंड इफ वी आर नॉट इवन देयर टू एड्रेस द इशू देन वेयर विल द पीपल हैव अ चॉइस ऑफ गिविंग टू अस। आपका अल्टरनेटिव आने तक बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, बट वी हैव टू कम एंड वी हैव टू टेक इट।
आई एम टेलिंग यू दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड एंड दिस ट्रांजिशन पीरियड नीड्स टू बी एड्रेस्ड. तो हम वहाँ पे होते हैं जहाँ पे फार्मर्स एजिटेट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू द फार्मर्स, हम लेबरर्स के पास जाते हैं, हम हथरस में जब वो दलित बच्ची के साथ जो भी दुष्कर्म हुआ हम वहाँ पे गए थे, तो हम CAA मूवमेंट में माइनॉरिटीज के साथ खड़े होते हैं, तो दलित हम हर इश्यूज में हम लोगों के बीच हैं और लोगों के बीच रहकर काम कर रहे हैं. तो वी आर स्लोली एंड स्लोली वी आर बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन. इन आपने देखा केरल में जब लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए वो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ BJP ही वाज टॉकिंग अबाउट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया. तो हम लोगों के आ गए हैं ऑलरेडी, वी हैव कम इनटू द आईज ऑफ द पीपल. तो इट इज़ ओनली अ मोमेंट ऑफ टाइम, थोड़े टाइम में हम इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू एक्वायर दैट रिजल्ट. बट दैट ट्रांजिशन पीरियड शुड नॉट बी टेकन एज अरे सेटबैक हो जाएगा सेटबैक. अगर पानी में नहीं कूदेंगे तो मोती किस तरह से हासिल करेंगे. यू हैव टू जम्प इन टू द वॉटर ओनली देन. डूब जाने के डर से अगर कोने में बैठे रहेंगे तो वो हासिल नहीं होगा, मोती तो नहीं मिलेगा. तो वी नीड टू डू इट. सो वी आर रेडी टू इट. वी आर आस्किंग द पीपल ऑल्सो टू बिलीव इन अस एंड कम फॉरवर्ड एंड कम एंड ट्राई. आपने सबको देख लिया है, आपने कांग्रेस को देखा है, आपने रीजनल पार्टीज को देखा है, ऑल दो सेक्युलर पार्टीज हु क्लेम टू गिबी सबके हित में आएंगे लेकिन किसी के हित में ये काम नहीं कर रहे हैं. व्हेन ऑल ऑफ देम हैव फेल्ड तो फिर ये क्या बेखौफी नहीं होती, फिर बार बार आप उन्हीं को आजमा रहे हैं. हाल ही में इलेक्शन केरला में इलेक्शन हो गया तो उसमें वेलफेयर पार्टी कुछ चंद सीटें अपना लिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है. सीट एडजस्टमेंट हुआ इनका UPA के साथ एंड सॉरी UDF के साथ एंड वी हैव बीन एबल टू गेट 65 जगहों पे हमने जीता भी है. इसमें इतनी चर्चा हुई पूरे देश ने देखा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बातें हो रही थी, कम्युनल पार्टी करके बोल रहे थे. इस किस्म का खौफ क्यों था LDF में? वो दैट वाज अ रूलिंग पार्टी. बार बार इसको कहना कि ये जमात इस्लामी की पार्टी है, ये कम्युनल पार्टी है, क्यों, व्हाट वाज इट? तो कहीं ना कहीं तो दे आर फीलिंग हमारे प्रेजेंस से उनको हर्ट हो रहा है, कहीं तो पिंच तो हो रहा है, वरना ज़रूरत नहीं थी कि हमारे बारे में इतनी चर्चा हो. तो वी आर बिकमिंग दैट ऑल्टरनेटिव. तो उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारे जगह ये हमारे स्पेस को ये इनक्रोच ना कर ले. तो केरला में हमने ये देखा है. सो भले ही हमने बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं हासिल की लेकिन वी वेयर द टॉक ऑफ द टाउन. वी पीपल वेयर टॉक, हमारे बारे में चर्चा कर रहे थे, हमारे बारे में डिस्कशन हो रहा है, पूरे देश में डिस्कशन हुआ है, पूरे मीडिया, ऑल द मेन स्ट्रीम मीडिया कवर्ड आवर न्यूज़. वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया बात हो रही है. तो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी वेल. कर्नाटक में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहा है तो इसमें आप कंटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, भी कंटेस्ट कर रहे हैं. तो क्या उम्मीद है आपकी? 7 जगहों पे हम ऑलरेडी वी हैव गॉट कॉर्पोरेशन सीट्स हम जीत चुके हैं. तो उम्मीद है कि जहाँ जहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं वहाँ पे अच्छा एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक वैल्यू बेस्ड तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे हो रहे हैं. तो लोग हमें और ज़्यादा जिता कर भेजेंगे, ये उम्मीद है हमसे, कर्नाटक के लोगों से. सो अब लेडीज़ के बारे में, तो वुमेन्स के बारे में बात करेंगे. तो अब जो TV आ रहे हैं, TV में फिर फिल्म्स आ रहे हैं, धारावाही जो आ रहे हैं या जो एड्स आ रहे हैं, वो उसमें जो लड़कियों को और औरतों को दिखाने का तरीका है उसके बारे में क्या करेंगे आप? मैं समझती हूँ कि औरत शुड नॉट बी व्यूड एज अ सेक्स सिंबल. उसका एक दिमाग है, उसका एक उसकी एक वजूद है, उसकी एक पर्सनालिटी है. उसकी पर्सनालिटी को आप उसी अंदाज से अगर आप पेश करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी. आप उसको एक स्टीरियोटाइप करके, एक माइंडसेट के साथ, को एक सेक्स सिंबल की तरह आप एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी, सिगरेट के लिए भी औरतें चाहिए, मेन शर्ट के लिए भी औरत का एक्सप्लॉय, दिस इज़ नथिंग बट एक्सप्लॉयटेशन एंड इट्स समथिंग वेरी डिग्रेडिंग टू द ह्यूमन रेस. तो मैं कहती हूँ कि इस तरह का जो भी हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, उसके लिए इसको ख़त्म करना चाहिए. इसको इसके जिम्मेदार कौन, या औरत है या मर्द? सिर्फ दोनों को, दोनों ज़िम्मेदार हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ औरत ज़िम्मेदार है या सिर्फ मर्द ज़िम्मेदार है. शी इज़ गेटिंग, वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, शी इज़ गेटिंग एक्सप्लॉयटेड.
तो दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों को एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना है सोसाइटी में, दोनों भी को भी एक अपना एक एरिया होता है काम करने के लिए और एक तरीका होता है काम करने के, उसको अगर एक सेंसिबली तरीके से काम करेंगे तो कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा और एक हम एक अच्छी तरीके से एक जो रीज जो पर्पस के लिए एक ह्यूमन रेस आई है दुनिया में वो पर्पस को हम फुलफिल कर पाएंगे। वी शुड गिव रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टू बोथ। तो नेट फ्यूचर में लड़कियां पॉलिटिक्स में आना है या औरतें पॉलिटिक्स में आना है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी ज़रूर आना चाहिए। विमेन हैव अ रोल टू प्ले, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर नेशन एंड दे शुड बी देयर वेयर द पॉलिसीज एंड डिसीशंस आर बीइंग मेड फॉर द कंट्री। तो पॉलिटिक्स इज़ नॉट समथिंग किसी और का जॉब है। हम औरतों को बाकायदा आकर अपने देश को, अपने मुस्तकबिल को और को बेहतर बनाने के लिए, अपने आने वाले जनरेशन को बेहतर बनाने के लिए इस मैदान में आना ज़रूर आना चाहिए। एंड शीज़ बहुत बड़ी तादाद में है औरतें, 50% है, वो किसी भी सत्ता को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो अगर वो आकर एक अपना रोल सही अंदाज से प्ले करेगी तो इस देश की तरक्की में और इस देश को बनाने चलाने और संवारने का एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। सो वीक्षकरे, ನಾವು ಇವರಿಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀಮಾ ಮೊಹಸಿನ್ ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್. ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಮೊಂಬತ್ತಿ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.